मॉर्निंग गाइस, तो हमारे मिनरल्स चल रहे थे जिसमें से हमने नाइट्रोजन पढ़ लिया था और हमारा पोटेशियम चल रहा था। और फास्फेट भी हो गया था हमारा। तो ये जो पोटेशियम है ये एक असेंशियल हमारा मिनरल है जो कि क्या है 3-6% मिलता है। जब हमने 1-3% लिखा था आप उसको ठीक करके 3-6% कर लीजिए। इसके बाद हमने बात की थी इसकी सोर्स की, तो सोर्स की हम बात करें तो ये स्लोली वैलेंस प्रोसेस के थ्रू क्या है, सॉइल में मिलता है, एक्सचेंजेबल है, सॉल्युबल है। और ये की प्लस के रूप में अब्सॉर्ब किया जाता है, ठीक है। और अब इसके हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो कल हमने इसके थोड़े से फंक्शंस की भी बात की थी जिसमें हमने बात की थी कि ये हमारे एपिकल, फ्रूट एपिकल और सूट एपिकल या हम कहें लीफ प्रिमोर्डिया और न्यूली मेड लीफ में और ब्रांचिंग में, मतलब बर्ड्स में काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है ना। तो न्यूली मेड लीफ में मिलता है ब्रांचिंग प्रिमोर्डिया में मिलता है, इसके अलावा बर्ड्स में मिलता है और न्यूट एंड सूट एपिकल में मिलता है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा इनमें मिलता है तो अगर इसकी कमी हो गई, डेफिशिएंसी आ गई, तो सबसे पहले नुकसान भी इन्हीं चीजों को पहुंचता है। ये क्या है, जल जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ नहीं हो पाती है। सेकेंड हम लेके चले तो ये जो हमारा पोटेशियम है ये कैम्बियम एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैम्बियम एक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रलाइजिंग ऑफ एनायन, ये भी इसका काम होता है। इसके अलावा हम बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बनाए रखने का काम करता है, हेल्पिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। हमने देखा था कि जो भी हमारी शुगर वगैरह है वो के प्लस के साथ जुड़कर क्या होते हैं, हमारी सी कोर्स से क्रॉस करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चल सकते हैं
एंड सॉरी ये जो पोटेशियम है ये हमारे फ्रक्टोकाइनेज है उसको एक्टिवेट करता है। ये हमारे फ्रक्टोकाइनेज को एक्टिव करता है क्योंकि जब तक ए प्लस आके फ्रक्टोकाइनेज के साथ जुड़ता नहीं है तब तक फ्रक्टोकाइनेज अपनी काम नहीं कर पाता है। इसके बाद में हम बात करें तो इस स्ट्रोमेटल रेगुलेशन में भी हेल्प करता, हमने थ्योरी पढ़ी थी एक्टिव के प्लस आयन थ्योरी। स्ट्रोमेटल रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट। इसके अलावा ये ट्रांस अप मिनरल्स अब्सॉर्प्शन, मे भी हेल्प करता है। तो देखिए ये हो गए इसके फंक्शंस की, ये सबसे ज़्यादा यहाँ मिलता है। उसके बाद ये कैम्बियम एक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल होता है, एनायन को न्यूट्रलाइज करता है, मेम्ब्रेन ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने का काम करता है और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, मिनरल्स अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है, उसको स्पीड करता है मतलब उसको बूस्ट करता है स्पीड को, और स्टोमेटल रेगुलेशन करता है। इसके अलावा फ्रक्टोकाइनेज को एक्टिव करता है। इसके बाद देखिए ये तो हो गए हमारे फंक्शन, नेक्स्ट हम लेके चले तो आएगा हमारा इसके डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमारे डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स की बात करें, सिंड्रोम्स नहीं सॉरी सिम्टम्स है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो सबसे पहले देखिए ये जिन जगहों पे सबसे ज्यादा मिलता है हमारे सूट और रूट एपिकल्स, तो सबसे पहले वही खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है सिम्टम्स है हमारे सूट एपिकल पे दिखते हैं, तो क्या होता है ये सूट एपिकल होता है वो जल जाता है, जिसे हम कहते हैं डाई बैक डिजीज। इसकी वजह से क्या होता है प्लांट ग्रोथ रुक जाती है। दिस इज नोन एज डाईबैक डिजीज। क्या होता है इसे हम डाईबैक डिजीज कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जब प्रिमोडिया ही मर जाएंगे, जब रूट एपिकल आप जानते हैं रूट एपिकल और सूट एपिकल में मेरिस्मेटिक टिश्यू मिलते हैं जो जल्दी जल्दी से डिवीजन करते हैं, डिवीजन फास्टली डिवीजन करने से ही ग्रोथ इंक्रीज होती है। जब एपिकल ही मर जाएगा तो मेरिस्मेटिक टिश्यू काम नहीं कर पाएंगे और प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। कैरेट की बात करें तो कैरेट में कैरेट एक्ट डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है
जो हमारा प्लांट है वो बुशी हो जाता है, झाड़ी टाइप का हो जाता है, जिसे हम रोजेट फॉर्म कहते हैं। क्या होता है, जब कैरेट में इसकी कमी हो जाती है पोटेशियम की, तो प्लांट में हो जाता है कैरेट एक्ट डिजीज, जिसकी वजह से प्लांट है वो बुशी हो जाता है, झाड़ी जैसा हो जाता है, जिसे हम रोजेट फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए कैम्बियम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ हो नहीं पाएगी। सेकेंडरी ग्रोथ होगी हमारी वो नहीं हो पाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारी स्टोमेटल रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, स्टोमेटल रेगुलेशन हमारा डिक्रीज हो जाएगा, कैम्बियन एक्टिविटी डिक्रीज होगी, तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हमारे जो प्लांट है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होने लग जाएगा, लिग्निन का डिपोजिशन बढ़ जाएगा, प्लांट ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी। और इसके अलावा हम बात करें तो देखिए ये जो हमारे वाटर अब्जॉर्प्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाएगा, और जो लीफ मार्जिन है हमारे हमारे लीफ मार्जिन में पीले हो जाएंगे और बाद में जल जाएंगे। तो ये तो हुई हमारी पोटेशियम की कमी की बात। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे देखिए ग्रोथ रुक गई है, इसकी वजह से हमारी नोट है वो छोटी रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ कम होगी। तो ये हो गए हमारे इसके डेफिशिएंसी के सिंड्रोम्स। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो पोटाश सल्फेट है, इसको मिट्टी में मिलाने से क्या है, इसकी डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड पोटेशियम का। नेक्स्ट हमारा है वो आता है कैल्शियम। अब आप जानते हैं कैल्शियम तो काफी जगह मिलता है प्लांट में, और सबसे ज्यादा हम बात करें तो मिडल लाइन वाला है कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। और जो कैल्शियम पैक्टेट है, या हम बात करें कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स में मिलते हैं प्लांट लीफ में, जो कि क्या है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारे सेल डिवीजन के दौरान जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, उस स्पिंडल फाइबर्स में इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन भी कैल्शियम के कारण ही होता है। और हमारे जो कैल्शियम है वो बहुत सारे एंजाइम के एक्टिवेशन का भी काम करता है, जैसे हमारे एमाइलेज, एटीपीएज, सक्सिनेट और सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, इन सब के क्या एक्टिवेशन का भी काम करता है। तो कैल्शियम के बहुत सारे काम हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पहली बात कि जो हमारी मिडिल लैमेला है वो नहीं बन पाएगी, सेल इन और सेल की रिजिडिटी खत्म हो जाएगी, इलोंगेशन ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा असर इसका दिखता है रूट पर। तो कैल्शियम है ये 1 से 3.5% तक, 3.5% तक क्या है, एक्चुअली 3.6 कर लीजिए इसको, 3.6% तक ये क्या है प्लांट में प्रेजेंट रहता है प्लांट बॉडी में, और ये C8+ के रूप में प्लांट के द्वारा अब्सॉर्ब किया जाता है।
ये न्यूट्रलाइजिंग का भी काम करता है। और अब देखिए, आप जानते हैं कैल्शियम हमारे मिट्टी में चूने के पत्थर मिलते हैं, उसी के थ्रू क्या है ये मिट्टी मिलता है। तो अगर ये अगर इसको हम मिट्टी से लिए तो ये एक तो मिलेगा कैल्शियम सल्फेट के रूप में, ठीक है, वेल तो अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो ये कैल्शियम सल्फेट के रूप में या कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मिलता है। अब ये जो कैल्शियम सल्फेट है इसको हम अगर देशी में बोले तो इसको एपेटाइट बोल देते हैं और इसको कैल्साइट बोल देते हैं। तो अगर ये मिट्टी में मिलेगा तो या तो ये कैल्शियम सल्फेट के रूप में मिलेगा या हम कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मिलेगा। और प्लांट अगर इसको ऑब्जॉर्व करेंगे तो Ca2+ आयन के रूप में ऑब्जॉर्व करते हैं। ये तो हो गए इनके सोर्स की बात। नेक्स्ट आते हैं इनका फंक्शन। तो फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट इसका सबसे बड़ा फंक्शन है हमारी जो मिडल लैमेला का पोर्शन, मिडल लैमेला का जो निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, हमारे कैल्शियम के थ्रू होता है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है हमारी। नेक्स्ट, पिछले साल जब हम सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने मिडल लैमेला की बात की थी, और मिडल लैमेला की हमने बात की थी तो हमने कहा था कि मिडल लैमेला है वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है कंप्लीटली, है ना। तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेला एज कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। ये तो हो गई हमारी मिडल लैमेला की बात। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं एज ए कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमारा इसका सेकंड फंक्शन हो गया कि ये क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके बाद हम बात करें तो हमारी सेल डिवीजन के दौरान हमारी जो मिडल इक्वेटोरियल प्लेट बनती है उसका निर्माण इन कैल्शियम के कारण होता है। इसके अलावा ये फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट और न्यूट्रलाइजिंग का भी काम करता है। हमारे जितने भी, देखिए ये जो कैल्शियम है, कार्बोनेट वगैरह सल्फेट्स के साथ मिलकर क्या है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। वो सॉल्ट्स क्या है, हमारे प्लांट टिश्यू में एसिमिलाइज हो जाते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो ये एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम भी करता है। जिसमें हमारे एटीपीएस को हम इंक्लूड कर सकते हैं। हमारा सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंड हम ले सकते हैं हमारे काइनेज एक्सेट्रा, जो हमारे एंजाइम हैं इनके साथ ये जुड़कर इन एंजाइम को एक्टिव करते हैं। अगर ये कैल्शियम इन एंजाइम के साथ आके ना जुड़े तो ये क्या है, एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे और सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई इनके फंक्शन की
कि ये मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन कर रहा है, एज ए क्रिस्टल प्रेजेंट रह रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, और हमारे इक्वेटोरियल प्लेट पर जो हमारी क्रोमोसोम मैनेजमेंट है उसको कर रहा है, न्यूट्रलाइजिंग और फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स का काम कर रहा है। इसके अलावा ये एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। तो ये हो गए इसके फंक्शन। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इसके डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। अब देखिए, अगर आपको इनके फंक्शंस याद है तो आपको इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो भी याद रहेंगे। जैसे कि मिडिल लैमेला इससे बनती है, तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या है, सेल है उसमें रिजिडिटी नहीं आएगी और सेल इलोंगेशन होगा। नेक्स्ट हम इसके आते हैं हमारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो देखिए, फर्स्ट हम लेके चले तो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन नहीं होगा, और सबसे ज्यादा हमारी रूट्स इफेक्ट होती है। रूट्स में क्या होता है, जो हमारी रूट की एपिडर्मिस है वो डीजनरेट हो जाती है, वो म्यूसिलेजिनस हो जाती है, फिर धीरे धीरे टिश्यू मरने लगते हैं, रूट मर जाती है और प्लांट भी मर जाता है। तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा रूट का। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इसका सिम्टम कि रूट्स हैं उनकी एपिडर्मिस खराब हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी और उनपे क्या है, म्यूसिलेजिनस सब कवर आ जाएगा और धीरे धीरे जो टिश्यूज हैं आसपास के वो भी मरने लगेंगे, एंड में क्या होगा, प्लांट भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेके चले तो हमारे कैल्शियम फैक्टेट से हमारी मिडिल लैमेला बनी होती है। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई तो जो हमारी मिडिल लैमेला है वो डीजनरेट होगी, इसके बाद क्या होगा, जो हमारे सेल की जो रिजिडिटी है वो खत्म हो जाएगी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होगा और क्या है, सेल इलोंगेटेड होने लग जाएगी। तो हमारी फॉर्मेशन ऑफ लैमेला नहीं होगी मिडिल लैमेला का, हमारी सेल है सेल इलास्टिक होने लग जाएगी और इलोंगेटेड। इसके बाद अगर हम देखें तो सेल डिवीजन के दौरान जो हमारी इक्वेटोरियल प्लेट पर हमारे जो क्रोमोसोम अरेंज हो रहे थे उनका अरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो अरेंजमेंट हमारा क्रोमोसोम का होता है इक्वेटोरियल प्लेट में वो क्या होगा, हमारे कैल्शियम आयंस के ही बिहाव पर होता है। तो
प्लांट में क्लोरोसिस आ जाएगी। देखिए किसी भी कोई भी आयरन की हमारी किसी भी मिनरल्स की कमी होगी तो प्लांट में सबसे पहले हमारी क्लोरोसिस आएगी। अब या तो वो क्लोरोसिस आ रही है इंटरवेनिएशन या आ रही इंट्रावेनिएशन। तो ये क्लोरोसिस देखिए, ये हमारी लीफ है और ये वेन्स है। अब देखिए क्लोरोसिस या तो इन वेन्स में आएगी, जब क्लोरोसिस वेन्स में आएगी तो वेन्स है वो क्या होगी हमारी येलो कलर की पड़ जाएगी। सेकेंड टाइप की होती है कि ये जो हमारी मार्ज हमारी जो इंटरवेनिएशन पार्ट है बीच का, ये जिसको हम कहते हैं पर्ण फलक, इनमें होगी। और थर्ड है हमारी जो मार्जिन एरिया होता है लीफ का, वो पीला पड़ने लग जाता है। तो देखिए पहले क्लोरोसिस आती है, उसके बाद हमारे क्या होती है लीफ, जो लीफ वाला पार्ट है वो येलो होने लग जाता है और एंड में क्या होगा पूरी पत्ती है येलो पड़ के गिर जाएगी। तो इससे क्या होती है हमारी फोटोसिंथेसिस की रेट होती है उस पर भी असर पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें तो क्लोरोसिस हो गया है, अब देखिए हमारी जो फ्लावरिंग होगी वो कम हो जाएगी, फ्लावरिंग डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा हमारे प्लांट में डिजीज होती है जिसमें क्या होता है हमारे जो फ्लावर्स लगते हैं किसी ब्रांच पर तो उनका जो टर्मिनल पॉइंट होता है जहाँ से हमारे जो फूल हैं वो डंडी से जुड़े हुए रहते हैं, वहाँ पर क्या है एक गड्ढे का फॉर्मेशन होगा, एक डिस्पर्जन का फॉर्मेशन होगा और हमारा फ्लावर है वो नीचे गिर जाएगा। तो फ्लावरिंग कम होने लग जाएगी, उसके बाद हमारे फ्लावर है वो इमैच्योर कंडीशन में ही गिरने लग जाएंगे, तो फ्रूटिंग भी क्या होगी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगा कैल्शियम की कमी से हमारे पौधों में क्या होगा ब्लॉसम एंड रोट होगा, जिसकी वजह से देखिए एक डिस्पर्जन एक गड्ढा बनेगा, उसके बाद क्या होगा हमारे जो फूल है वो गिर जाएगा। तो ये है हमारे कैल्शियम की कमी के कारण जो हमारे सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें कैल्शियम मैनर का यूज लेना पड़ेगा विद, या हम कहें कि हमें मिट्टी में चूना पत्थर मिलाना पड़ेगा, लाइमस्टोन मिलाना पड़ेगा। तो इसके ट्रीटमेंट तो इसके अलावा हम जिप्सम भी मिला सकते हैं। जिप्सम इसमें क्या होती है, जिप्सम में हमारी कैल्शियम बहुत ज्यादा मिलती है, तो अगर हम जिप्सम को मिलाएं तो भी हमारी कैल्शियम की कमी पूरी हो सकती है। तो ये है हमारे कैल्शियम की डेफिशिएंसी के सिंड्रोम्स, उसका ट्रीटमेंट और उसके फंक्शंस।